मित्रों, आप सभी ने कभी न कभी ये वाक्य सुने होंगे, तुझसे ये नहीं होगा, ये तू नहीं कर पाएगा, ये बस तेरे बस में नहीं है, जीतने वाले लोग कोई और ही हैं। परंतु ऐसे वाक्यों को सुनने के बाद बहुत से लोग इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसी सोच से जीतने वालों के काफिले नहीं रुकते। समय के साथ साथ जिंदगी के कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ इंसान अकेला हो जाता है। इन पड़ावों में इंसान या तो सबसे आगे हो जाता है या वो पीछे रह जाता है। यहाँ पर एक बात तय है, अगर आप ऐसे ही आगे पीछे के बारे में सोचते रहे तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। हम सब कुछ समय के लिए ही इस धरती पर आते हैं, लेकिन इस थोड़ी सी जिंदगी में भी हम अपना समय बर्बाद करने में लग जाते हैं। जो इंसान समय की धार को समझ जाता है वो इंसान ही जिंदगी के समुद्र का असली तैराक कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा है सफल होना। जो वाक्य तीर की तरह हमारे सीने में लगे हैं, उन वाक्यों की गूंज को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। अभी आप फेल नहीं हुए हैं, अभी आप रुके नहीं हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अभी देर नहीं हुई है। उठो और अपने मकसद को पूरा करने में लग जाओ। वक्त कम है या ज़्यादा, उम्र कम है या ज़्यादा, इससे क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो आप फिर कर लेंगे। जिंदगी में एक बात याद रखनी चाहिए, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी वास्ता नहीं रखती। आपका कल तभी बेहतर होगा जब आप अपने मुकाम पर पहुँचने की हिम्मत दिखाएंगे। अगर आप अपने मकसद में सफल हो जाते हैं तो वो ही लोग जो हमेशा आप में कमियां गिनाते रहते थे, वही लोग आपको नया सिकंदर बोलेंगे।